ये चरख बरी का शाही है, ये ताबे शिहाबे रोशन है, ये फिक्रो नजर का सर चश्मा, ये हुस्न अमल का मस्कन है। ये चरख बरी का शाही है, ये ताबे शिहाबे रोशन है, ये फिक्रो नजर का सर चश्मा, ये हुस्न अमल का मस्कन है। इस शम्मे अदब का परवाना एक बर्क शरर बन जाता है, जुल्मत की घनेरी रातों में पैगाम। शाही नीट एकेडमी गुलबर्गा के 2020 था 2021 के बैच के स्टूडेंट्स, जो इसका पहला बैच था, मुख्तलिफ कॉलेजेस में मेडिकल की सीट्स हासिल कर चुकी हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर, शाहीन नीट एकेडमी गुलबर्गा के डायरेक्टर दाऊद शेख और शाहीन पीयू कॉलेज गुलबर्गा के प्रिंसिपल सैयद फजल ने मंगल को शाहीन नीट एकेडमी में स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी। तालीम की खूब खूबी से मंजूर नजर बन जाता है, शाहीन हमारा रहबर है, इखलास व करम का मखजन है, ये फिक्र व नजर का सर चश्मा। शाहीन नीट एकेडमी के नीट टॉपर्स के लिए मुबारकबादी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गुलबर्गा शाहीन नीट एकेडमी ने हाल ही में नीट के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस में मेडिकल सीट्स हासिल करने वाले अपने स्टूडेंट्स के लिए एक एजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया। You know how.
ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 1 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು. ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಇಯರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಶಾಯಿನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕದೀರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭಾಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಭಾಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕದೀರ್ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. कि इतनी अच्छी कोचिंग और इतनी अच्छी सेल्फ स्टडी, इतनी अच्छी मटेरियल्स, इतने अच्छे सर्च, सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया और हर वक्त हमें मोटिवेट करते ही रहे. हमारा तो ऑनलाइन क्लास था, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास रह के भी हम लोग ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन क्लास ही बिताते थे, लेकिन फिर भी ऑफलाइन की तरह हमको मालूम पड़ता था. और हर वक्त मोटिवेशन हमको दाऊद सर देते थे. दाऊद सर कभी भी आके पूछते थे कि तुम्हारे मार्क्स इतने क्यों हैं, कुछ तो इम्प्रूव करना है तुमको, वो है सब कुछ. और मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ डाउट्स रहे तो पूछें. आप सब अच्छे पढ़ें, अच्छे कॉलेज में मेडिकल सीट लें, बस मैं चाहूँगा. मस्त 5 बजे के बाद से 8 बजे तक सेल्फ स्टडी रहती है. इधर ही पढ़ने की जरूरत थी, कुछ भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत इतनी कुछ भी. हमारे दाऊद सर, नज़ीर सर, हनीर सर का सबका शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका दिए. और मैं हमारे फैमिली का भी शुक्र गुजार हूँ जो मुझको भरोसा करके इधर रिपीट करने के लिए मुझे मौका दिया है. तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अच्छा से अच्छे कॉलेज में मेडिकल के एडमिशन लीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स एंड स्पेशली माय पेरेंट्स. माय पेरेंट्स नेवर लॉस्ट होप इन मी एंड दैट्स व्हाई आई गेस आई एम स्टैंडिंग हियर. दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड यहाँ तो सब बहुत अच्छा है. आपको बीदर के टीचर्स भी यहाँ पे पढ़ाते हैं ऑफलाइन. यहाँ पे नज़ीर सर भी बहुत अच्छे से डाउट सॉल्व करते हैं. आप कभी भी जाओ, नज़ीर सर आपको मना नहीं करेंगे, कभी भी आपको बोलेंगे. और यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, वो एवरीबडी यूटिलाइज इट. जस्ट करते जाओ और क्या. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक अल्लाह एंड माई पेरेंट्स, टीचर्स, friends for supporting me in my journey of PT. आप सबको पता ही है कि 25% में बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं. एक कोट है कंसिस्टेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आउट द रिपीट पाए. ऑल द बेस्ट. अस्सलाम वालेकुम. आज बड़ा अच्छा लगा, छोटा फंक्शन लेकिन खुशी बड़ी है. बड़ी खुशी हुई जो बेटे बेटियों के सक्सेस को देखकर. यही हमारी ये मनो में गलती है, विदा है, मोटिवेशन है. यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से बड़ी मायूसी थी और बहुत ही हम हिम्मत करके यहाँ पर ये बैच हम शुरू कर रहे थे, लेकिन मेरी फर्स्ट बैच में इतनी खुशी होगी इसका हमको अंदाज़ा नहीं था. रियली मैं वक्त निकाल के यहाँ आया और मुझे अच्छा लगा. मुबारकबाद दूंगा मैं यहाँ के तमाम टीचर्स को, जिम्मेदारों को और ये बेटे बेटियों को, उनके पेरेंट्स को. ये एक बहुत अच्छी बिजनिंग यहाँ पे शुरू हो गई है, इसको कंटिन्यू करेंगे. और ये बेटी के जो है खुशी के आंसू मैं देख रहा था उनके डैडी के आंखों में, खुशी के आंसू होते हैं ना, खुशी के आंसू होते हैं तो पहले मैं महसूस कर रहा था और मैं भी अपने आप में फील कर रहा था कि वाह ऐसा सब ऐसी हिम्मत होना चाहिए, हमारी जनरेशन में ऐसी हिम्मत होना चाहिए. बड़ा अच्छा लग रहा. मैं डॉक्टर शर्मा रहा था बड़ा. थोड़े दिन के बाद कितना और बोर्ड हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में जाके आपको अंदाजा लगा सकते हैं. यहाँ पर आपको सिर्फ दर्ज करे अब और कुछ दिन पी जी तक जिंदगी होने तक अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना पूरी तरीके से. और ये ऊपर वाले की तरफ से मौका मिला है आपको,
समाज की सेवा करने का, गरीबों की सेवा करने का। ये अगर आप गरीबों की सेवा करना, इंसानियत की मदद करने की नीयत अगर है, तो ये आपका नीट एग्जामिनेशन देना या MBBS करना प्रार्थना है, प्रेयर है, इबादत है। मोहम्मद अदनान, विशाल दानिया रहाफ, आलोक गोली, अफीफा जोहा, श्रुति अनन्या कुलकर्णी, शाइस्ता बुतुल, मानसी कोलगी और दीगर स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी गई। इस मुबारकबाद प्रोग्राम में शाहीन नीट एकेडमी के स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मौजूद थे। आज गुलबर्गा में शाहीन एकेडमी के फर्स्ट बैच के मेडिकल हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को ऑनर किया गया। पहले ही बैच में 7 स्टूडेंट्स तमाम मुश्किलात के बावजूद भी, पेंडेमिक के बावजूद भी सक्सेसफुल हुए हैं। मैं इनको, इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद दूंगा। और एक अच्छी शुरुआत गुलबर्गा में हुई है, हम इसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर सहूलतें देंगे गुलबर्गा के लिए। और गुलबर्गा में जो पेंडेमिक से अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, 8th, 9th, 10th के ड्रॉप आउट हैं, उनके लिए एक स्पेशल बैचेस हम बना रहे हैं। एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU यहाँ पे इस्टेब्लिश करके ड्रॉप आउट को, उनकी बेसिक को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम सिर्फ टॉपर ही की को इम्प्रूव करने की बात नहीं करते, बल्कि बेसिक्स के साथ वीक से वीक स्टूडेंट्स को लेकर इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस तरह से ये ड्रॉप आउट कम हो जाएं और ये बच्चे जो है आगे बढ़ें। ख़ास तौर पर मदरसा पास आउट को भी हम फोकस कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। स्टूडेंट बहुत मुश्किलात के बावजूद भी BSc करके, आफ्टर मैरिज, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, डॉक्टर श्रुति जो यकीनन हमारे लिए खुशी का ज़रिया है, वो मेहनत करी और सक्सेसफुल हो रही है। ये एग्ज़ाम्पल सबको सामने रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। और ये जनरेशन डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए, ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और फिर गैर ज़रूरी घूमना फिरना, और ये नई जनरेशन बहुत सारी बुराइयों का शिकार हो रही है, उससे बचते हुए अपना ख्याल रखते हुए फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करना है, ये हम ख्वाहिश करते हैं। और हम अपनी कोशिश करेंगे ड्रॉप आउट को इम्प्रूव करने की।